फतेहपुर पुलिस ने दिन दहाड़े हुई युवक की हत्या का 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए महिला समेत 6 अभियुक्तों को धर दबोचा है। पुलिस ने उनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। दरअसल जिले के गाजीपुर थाने के कस्बे में रविवार को जमीनी विवाद में युवक की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने उसके भतीजे को मरणासन्न कर दिया था, जिसे पुलिस ने इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया था। दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज हत्या का गाजीपुर थाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए ओम प्रकाश, राम प्रकाश, नीरज, बुद्धसेन, अरविंद और महिला को गिरफ्तार किया है। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपितों के कब्जे से पुलिस ने कुल्हाड़ी, हसिया, लाठी और लोहे की रोड बरामद कर हत्यारोपियों को जेल भेज दिया। थाना गाजीपुर अंतर्गत गाजीपुर गांव में एक व्यक्ति जिनका नाम अमित सिंह हाड़ा उर्फ रामू सिंह हाड़ा है, जिनकी उम्र लगभग 36 वर्ष थी, अपने खेत से चना ढुलवाने के लिए मजदूर लगाए हुए थे। मजदूरों का जो है दूसरे पक्ष के ओम प्रकाश पाल, राम प्रकाश पाल व उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने उनका विरोध किया। इसी को लेकर के दोनों पक्षों में गाली गलौज और कहासुनी हुई, जिसमें राम प्रकाश पाल ओम प्रकाश पाल पक्ष व अन्य सदस्यों द्वारा जो है उन पर लाठी डंडों व राड से प्रहार कर दिया, जिससे अमित सिंह हाड़ा की मौके पर मृत्यु हो गई। इस घटना में उनको बचाने के लिए उनके भतीजे धनंजय सिंह आए, उन पर भी लोगों ने प्रहार किया, वो भी घायल हो गए थे, जिनका जिला सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना का एसओजी टीम व गाजीपुर पुलिस टीम द्वारा सफल अनाउंट करते हुए घटना में सम्मिलित 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिन और घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, लाठी और कुल्हाड़ी और लोहे की एंगल हसिया बरामद किया है। इस प्रकार एसओजी टीम व थाना गाजीपुर पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है, उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी।